हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह सुबह वीडियो बन रहे हैं क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इस वीडियो के जरिए कि मैं दिन भर क्या क्या करती रहती हूँ। तो आज वैसे भी संडे है और मैं थोड़ा ज़्यादा देर से सो गई 7 बजे तक। वैसे तो मैं 6:15 को उठ जाती हूँ, तो आज संडे है तो मेरा पास टाइम ही टाइम है ना, स्कूल ना क्या क्या, तो आराम से वीडियो बनाऊँगी। तो आपको मैं इस वीडियो के जरिए बताऊंगी कि मैं दिन भर क्या करती हूँ और मेरा डेली रूटीन क्या क्या है। पैकेट है वीडियो के लिए मैंने मंगाया था, ये है फोन होल्डर जिसे मैंने मीशो से खरीदा है क्योंकि मुझे एक हाथ से वीडियो करने में तकलीफ हो रहा था। इसलिए आप सबसे पहले मैं अपना बाल बांध लेती हूँ क्योंकि मुझे खुला बाल पसंद नहीं इतना ज्यादातर, और मैं खोपा भी ज्यादातर नहीं कर, मैं बैट मिलाती हूँ। अब मैं ब्रश करूंगी। ये मैंने निकाल लिया मेरा ब्रश, इसे रख देती हूँ यहाँ पे। और ये रहा मेरा कॉलगेट जो मैं यूज करती हूँ। मेरा ब्रश हो चुका है और मैं इसे इस पे बंद करके रख देती हूँ। ये रहा मेरा फेस वॉश, लगाने से पहले थोड़ा सा पानी से मुंह धो लेना है। ये रहा मेरा फेस वॉश जो कि है पॉन्स का। मैंने फेस वॉश कर लिया, अब जा रही हूँ मैं मेरी क्रीम लगाने के लिए। वे ये है कि मुझे दिया है मेरी मासी देवो की 6 माह ने। अब मैं नेक को पोंछ लेती हूँ अच्छी तरह से, और मैं आपको बता दूँ कि मैं टॉवल से फेस नहीं पोंछती, पंखा मार मार के सुखा देती हूँ। ऐसे देखिए सूख चुका है पूरी तरह से। इसके बाद मैं रोज वाटर यूज करती थी पर रोज वाटर मेरा खत्म हो चुका है, तो मैं ये यूज कर रही हूँ पॉन्स का सीरम, तो ये लगाऊंगी मैं अब। हल्के हल्के हाथों से घुमाइए इस तरह, हल्के हल्के हाथों से घुमाते घुमाते सब चीज को कवर कीजिएगा। ये हो गया। और सबसे खास बात, नेक को आप कभी भी अवॉइड मत कीजिएगा। जब आप अपना फेस पे कुछ लगा रहे तो क्रीम व्रीम जब भी जो भी लगाएंगे तो फेस में भी लगाना है, इसलिए मैं पूरी अच्छे से लगाती हूँ। और ये रहा मेरा हो गया टर्न। उसके बाद मैं लगाऊंगी मैबेलिन का बेबी लिप्स। ये रहा, इसे मैंने खोला। और मुझे लिपस्टिक ज़्यादा पसंद नहीं है, बस हाँ वीडियो बनाते समय कभी कभी लगा लेती हूँ या कुछ ओकेजन में, नहीं तो नहीं। तो मेरा हो चुका है टर्न टर्न। ये रहा मेरा रात का बर्तन जो कि अभी मिलाने जा रही हूँ मैं। मिलाने के बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। ये ब्लैक टी के लिए पानी है और इसमें पानी डाल रही हूँ आटा सान सके और हम लोग गर्म पानी पी सके। लीजिए मैंने गैस जला दिया, अब मैंने केतली बिठा दिया और चाय के लिए भी बिठा दिया। ये है मटर जो कि मैंने रात में धुला के रखा था, अब इसे दो बार धुलाऊंगी हो जाएगा बस। ये एक बार मैंने धुलाया और ये दूसरी बार मैंने धुलाया इसे, और ये हो गया। अब मैं इसे कुकर में डालूंगी, उसके बाद पानी डालूंगी, उसके बाद 2 सीटी लगा दूंगी या 3 सीटी लगा दूंगी। ये देखिए मेरा ब्लैक टी हो गया है बन। सबसे पहले तो मैं आटा सान लेती हूँ। ये हो चुका है मेरा,
और ये देखिए मेरा डो बन के रेडी है। अब मैं तवा बिठा दूंगी, तवा मैंने बिठा दिया। अब मैं रोटी बेलने जा रही हूँ। मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगी, 4 या 5 पीस बनाऊंगी, क्योंकि मामा और नानी के लिए और हम लोग सब लोग तो सेकुले खाएंगे। ये देखिए मेरी गोल गोल रोटी, अब ये फूल रहा है हल्का हल्का हाथ से प्रेस करके। और ये देखिए ये फूल चुका है गोल गोल रोटी। अब मैंने कढ़ाई बिठा दिया, इसमें मैं पानी डालूंगी सेकुले के लिए। रोटी बन के रेडी है, इसे हॉट गैस पे डाल देती हूँ। ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा गरम पानी, और इसे बॉईल होने देते हैं। बॉईल हो चुका है, अब मैं यहाँ पे सेकुले डाल रही हूँ। देखिए ऐसे पतले पतले। अब हम और यासिका दोनों मिलके करेंगे। ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, इसे चलाते हैं। मैं पहले छोले के लिए रेडी करूंगी, प्याज डालूंगी। पहले प्याज में छोले में 3 डालूंगी, बड़ी बड़ी साइज वाले, बड़ा बड़ा साइज वाला है, बस हो गया। और इसमें लहसुन, एक गोटा तो नहीं, इसमें लहसुन डालूंगी। उसके बाद जीरा, और इसमें मैं 3 सूखी मिर्च ऐड करूंगी, 3 सूखी मिर्च डालूंगी, बस ये गया। और इसमें मैं दालचीनी छोटा सा पीस डालूंगी, और लौंग, लौंग में डालूंगी 4, और थोड़ा सा गोल मिर्च, बस हो गया। ग्राइंडर में पीसूंगी, उसके बाद ये छोले के लिए मसाला, तेज पत्ता, ये मसाला को जब अच्छी तरह से भुनना है, जब तक ऐसा तेल ना निकल के आ जाए ऊपर तक। मसाला रेडी है, अब मैं छोला डालूंगी। अब इसको मिक्स करते हैं। ये बैठ चुका है, अब इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। ये कढ़ाई बैठ चुका है पास्ता के लिए, तेल गरम होने देते हैं थोड़ी देर। प्याज और थोड़ा सा बंदा गोभी, और मेरी यासिका बहन बहुत एक्सपर्ट है इतना महीन कूटने के लिए। एक ढक्कन, 2 ढक्कन, अब डालूंगी मैं सेकुले। कलर तो आपको पता ही चल रहा होगा, टेस्टी लग रहा है। डालूंगी मैं सॉस। छोला, मटर छोला, उसके बाद है सेकुले, हम लोग का नेपाली का डिश, पास्ता आप लोग बोल सकते हैं। चलो अब मैं सर्व करती हूँ इसे, और इसके साथ रोटी भी बनके रेडी है, मयंक का खिचड़ी। तो रेडी है हम लोग का सेकुले। और ये है मेरा, अब मैं खाने जा रही हूँ। या बहुत टेस्टी है, यम्मी। सच में गाइस बहुत ही टेस्टी होता है ये, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। मुझे तो बड़ा पसंद है, इसलिए मैं कंटिन्यू खाते जा रही हूँ, मजा, बड़ा मजा आ रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ से भूखड़ आ गया कि कंटिन्यू खाते जा रहा नॉन स्टॉप। ये देखिए मेरा प्लेट खत्म, बहुत ही टेस्टी था, मजा आया।
ये रहा मेरा यासी का सिस्टर जो कि खा रही है बड़ी मजे से। खा के खत्म हो चुका है और अब जितना किचन बिखरा हुआ है इसको समेटूंगी और उसके बाद में बर्तन धुला के आपको मिलती हूँ। बर्तन धो के हो चुका है, अब मैं अपना मेडिसिन लूंगी। ब्रेकफास्ट अलग है, ये रहा मेरा दवाई। दवाई खाने के बाद मेरा रूटीन है फ्रूट्स, रोज एक एप्पल। एप्पल खाऊंगी, धुला लूंगी, पहले एप्पल को धुला लूंगी मैं। डॉक्टर ने कहा है रोज एक फ्रूट खाना है मुझे आफ्टर ब्रेकफास्ट। हे मयंक, ये जो आप देख रहे हैं पेंटिंग, ये कंचन दीदी ने किया है। ये हमारा बिस्तर। जब तक एप्पल खत्म होता है तब तक मैं थोड़ा लेटूंगी और यासिका के साथ में मोबाइल देखूंगी मैं, क्योंकि मेरा फोन चार्ज खत्म हो चुका है तो मैं चार्ज करूँ। मेरा फोन चार्ज हो चुका है, अब मैं चार्ज से निकाल के पहले ये वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि मेरे पास ज्यादा स्पेस खाली नहीं है। तो मैं पहले ये वीडियो अपलोड करूंगी, उसके बाद लंच और डिनर का मैं 11:30 को कर दूंगी रात का। अगर नेट अच्छा हुआ तो 11:30 को हो जाएगा, अगर नेट थोड़ा स्लो हुआ तो शायद कल होगा। पर आई होप आप लोग को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।